नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल रंजू की रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ आप सबके लिए हरी पत्तेदार मेथी मटरी। तो मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी नहीं बल्कि हरे पत्तों का यूज़ किया है, जो नॉर्मली ठंड में बहुत आराम से मिल जाती है। उसी मेथी के पत्तों से आज हम मटरी बनाएंगे। मैंने यहाँ 100 ग्राम मेथी ली है और मैंने मेथी के पत्तों को अच्छे से तोड़ लिया है। अब मेथी के पत्तों को हम बहुत ही बारीक से काटेंगे। आप देख सकते हैं सारे मेथी के पत्ते अच्छे से कट चुके हैं, तो इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसके बाद हम इसका आटा लगाएंगे। मेथी मटरी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बड़ा बर्तन लिया है। मैंने यहाँ पे एक कटोरा आटे का यूज़ किया है। ये गेहूं का आटा है, ये मैदा नहीं, बल्कि मैंने गेहूं के आटे से ही मेथी की मटरी बनाई है। गेहूं के आटे से हमारे बच्चों की हेल्थ भी सही रहेगी। अब हम इसमें मेथी डालेंगे, अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी हम अपने मटरी में खुशबू लाने के लिए डालेंगे। साथ ही अजवाइन डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें बारी है घी डालने की, ज़्यादा घी नहीं डालेंगे। आप इसकी जगह रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, पर घी डालने से काफ़ी खस्ता बनती है मटरी। अपने दोनों हाथों से सभी चीज़ों को अच्छे से मसल लेंगे। इसमें एक अच्छी खुशबू आए इसके लिए हमने यहाँ कसूरी मेथी का भी यूज़ किया है। मोइन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि आटा सानने में दिक्कत ना हो। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका अच्छा सा आटा लगा लेंगे। तो हमारा गेहूं का आटा अच्छे से लग चुका है। अब हम इसे एक बर्तन से ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, चलिए अपना आटा चेक कर ले। आटा अच्छे से सेट हो चुका है, तो चलिए अब मटरी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक बड़ी सी लोई ली है, उसे पहले हम गोल कर लेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, इस तरह से गोल घुमाते जाएंगे। बेलन की मदद से इसे हम अच्छे से बेल लेंगे। देखिए मैंने इसे मीडियम साइज में ही बेला है, तो चलिए इसकी कटिंग कर लेंगे। मैं इसे इस तरह रोल करूंगी। सबको एक एक करके रोल कर लेंगे। सबको रोल करने के बाद इस तरह अपने हाथों की मदद से हम इसे दबा देंगे। आपको जितना पतला चाहिए उतना पतला दबाइए, इससे जो हमारी मेथी मटरी है उसमें परत सी आ जाएगी। सभी को हम इसी तरह दबा लेंगे अपने हाथों से। तो मैंने मेथी मटरी को इस तरह अच्छे से रोल करके चपटा कर लिया है। अब बारी है मटरी को डीप फ्राई करने की, तो चलिए इसको फ्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ अपनी कढ़ाई गर्म की है और उसमें रिफाइंड ऑयल का यूज किया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, एक एक करके अपनी मटरी डालेंगे। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, बहुत तेज नहीं करना है, वरना हमारी जो मटरी है वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। छोटी बड़ी हर साइज की मटरी मैंने बनाई है। इसको अच्छे से एक बार ऊपर नीचे चला लेंगे ताकि मटरी हमारी दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। मटरी को 20 से 30 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं कि बिल्कुल भी कड़वी नहीं होगी। दोनों तरफ से अच्छे से रेड होने देंगे। मैंने सिर्फ मेथी के पत्तों का यूज़ किया है, उसकी डंडी का नहीं। अच्छे से फ्राई होने देंगे। तो मटरी अच्छे से रेड हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। सारी मटरी को धीरे धीरे इसी तरह हम तल लेंगे। तो दोस्तों बनके तैयार है हमारी हर साइज में छोटी से बड़ी गेहूं के आटे की मेथी मटरी। आप इसे जरूर ट्राई करें। अभी मार्केट में हरे पत्ते आराम से मिल जाएंगे आपको मेथी के। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस रेसिपी को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।